असलम हैलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज इमाम हुसैन बहादुर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक फ्राम इंग्लिश ग्रामर नेम्ड एज डिमिनर सो लेट्स गेट स्टार्टड सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर वीवर जैसा कि हमें पता है कि डिटर्मिनर जो है uh, वो डिटर्मिनर्स को मोस्ट ऑफ दीपल आर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अन अवेयर ऑफ Understanding determiner that what are they, what the term determiner is. So let's have a brief uh, recognition and introduction towards determiners. तो so, determiners जो है यहाँ पर आप देखिए determiners की उर्दू में अगर हम uh, बात करें उर्दू में इसकी जो मानी है वो है फैसला कोनेंदगान फैसला करने वाला, which uh, say something, which predicts something, which identifies something.

जो है आ, पुकारते हैं और इट इज कंसिडरेबली नोन एज नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच फ्राम इंग्लिश ग्रामर और इन इंग्लिश ग्रामर सो एंड मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस एंड जो कि जुबान के माहरीन है वो डिटर्मिनर्स को जो है एक यूनिट कंसिडर करते हैं और ज्यादातर फोकस नहीं करते कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है बट इसी फंक्शनली फंक्शनल इंग्लिश में जब इस्तेमाल करते हैं हम तो इन्वायरमेंटली जब किसी स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल हो सेंटेंस में ये इस्तेमाल हो डिटर्मिनर तो वही जगह पर जिसका इस्तेमाल हो उसी इस्तेमाल को मद्देनजर नजर रखती हुई इसको डिटर्मिनर का नाम हम दे सकते हैं तो डिटर्मिनर जो है अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस जो कि तारफ करता है इंट्रोड्यूस पेश करता है अ नाउन एक एसम को आर प्रोवाइड्स मुहैया करता है देता है हमें इंफॉर्मेशन मालूम अबाउट नाउन नाउन के बारे में जैसा कि हमें हमने बताया ब्रीफली वी विल डिस्कस लेटर ऑन बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटीनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन डिटरमिनर स्पेसिफाइज स्पेसिफाइज फ्रॉम स्पेसिफिकेशन इट स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइज Shanahat or quantifies the noun and noun phrase. And determiner can be articles. Dear viewers, we can uh, use articles uh, as determiners. We can also use uh, ordinal numbers as determiners. We can also use cardinal numbers as determiners. We can use demonstratives. As determiners or quantifiers as well as possessives, we have highlighted some of the usage they are uh, taken from English grammar that we can name all these uh, uh, units or all these words as determiners and we can use it as determiners while shaping its structure. While shaping a sentence structure, we can clearly highlight uh, the very structure of determiner that here in this sense uh, the word. आ और the article एन और article द is used as determiners. तो यहां पर अगर आप देखें तो determiners जो है determiners include articles. हम आर्टिकल को भी एज अ डिटर्मिनर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी इस लेक्चर में शुरू में हमने बताया कि हम जहाँ पर भी हम जुमला बनाते हैं फिक्रा बनाते हैं तो वहाँ पर जो है जब हम एनवायरमेंटल इन्वायरमेंट को हम किसी सेंटेंस के या फ्रेस के या क्लास के या पैसेज के जो भी लेसन हो उसकी कॉन्टेक्स को और उसकी इन्वायरमेंट को सीमेंटिकली एंड सेंटेटिकली हमें हम उसे देखेंगे और फिर जो है हम फैसला करेंगे कि यहां पर जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्या ये डिटर्मिनर है क्या ये प्रोनाउन है क्या ये आर्टिकल है या पोजिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव है दो कैन हैव इट्स इनहेरिटेंस फ्रॉम द वेरी बेसिक यूनिट दैट इज इवन इवन प्रोनाउंस बट वी मस्ट डिपेंड अपॉन यूजेज इन द वेरी गिवन कॉन्टेक्स्ट। हमें जो मौके की मुनासिबत से जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो तो हम उसको देख कर उसको मद्देनजर रखते हुए हम उसे डिटर्मिनर या प्रोनाउन या एडजेक्टिव के नाम से जो है वो हम तभी उसे कहेंगे जब इसका इस्तेमाल हो तो इसके इस्तेमाल के बिना पर हम इसे क्या कहेंगे अगर ये डिटर्मिनर कहा हुआ तो हम डिटर्मिनर कहेंगे अगर ये प्रोनाउन कहा हुआ तो हम प्रोनाउन कहेंगे तो आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ एग्जाम्पल्स से हम वाजह तौर पर जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर अब देखें मिसाल के तौर पर अ सेंटेंस इज देयर दैट अ बॉय इज कमिंग हेयर अब यह इस सेंटेंस को देखे आ ए को हमने अंडरलाइन किया है एज अ डिटर्मिनर ये इस्तेमाल हुआ है अ बॉय इज कमिंग हेयर अगर हम ये कहें कि ये ए जो है ये आर्टिकल है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है हम समझते हैं कि ये आर्टिकल है लेकिन जहां पर डिटर्मिनर की बात हो डि की डिफिनेशन हो वेरी नेचर ऑफ डिटर्मिनर हो तो डिटरमिनर जो है फैसला करता है आइडेंटिफाई करता है इंट्रोड्यूस करता है स्पेसिफाई करता, करता है किसी नाउन को तो यहां पर इसने नाउन को स्पेसिफाई किया है नाउन को आइडेंटिफाई किया है इसीलिए हम इसे जो है ना डिटर्मिनर कहलाएंगे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का जो है यहां आ रहा है तो यहां पर आप देखिए आ आ का जो नेचर है द लेटर आ, आ, आर्टिकल आ और द लेटर आ इट गिव्स अस द वेरी स्पेसिफिकेशन दैट एक लड़का हाउ मेनी बॉयज एक लड़का तो यहां पर यह रहा डिटर्मिनर बाद में हम यहां पर कुछ डिफरेंसिस जो है बिटवीन डिफरेंसिएशन बिटवीन एजेक्टिव एंड डिटर्मिनर डिफरेंसिएशन बिटवीन प्रोनाउन एंड डिटरमिनर और आर्टिकल एंड डिटरमिनर वी विल टॉक अबाउट लेटर राइट हियर बट लेट मी मेक यूर सेंस क्लियर दैट हाउ वी कैन नेम इट डिटरमिनर दिस मैन इज इनोसेंट दिस मैन यू नो दर्ड दिस This is actually identifying and clearing that this person or this man is innocent. ये बंदा या ये शख्स जो है या ये आदमी जो है ये मासूम है तो यहां पर दिस को आप देखिए तो ये हमें क्या karta Clear करता है It's, It clears, it clears each and everything about the person, man। मैन तो यहां पर अगर आप देखिए तो दिस ने यहां पर आइडेंटिफाई किया है क्लियर किया है इसीलिए हम इसे डिटर्मिनर कहेंगे फिर एक और बात जो कि एक्सेप्शनली एक और बात जो कि यहां पर आप देखिए तो डिटर्मिनर जो है हमारे साथ वो हर जगह पर अगर हम कहीं पर भी डिटर्मिनर को यूज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा इट इज एक्सेप्शन दैट अ डिटर्मिनर विल बी प्लेस्ड और वुड बी प्लेस्ड बिफोर अनाउन इट शुड बी प्री फैक्स देयर डिटर्मिनर को हम नाउन से पहले एस से पहले इस्तेमाल करेंगे कभी भी, uh, uh, को हम, कभी भी भी डिटर्मिनर डिटर्मिनर को को हम हम नाउन के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि नाउन से पहले जैसा कि यहां पर ए जो कि नाउन से पहले आ गया है अगर ये नाउन के बाद आया दो इट इज नॉट क्वाइट राइट सीमेंटिकली बट इफ इट कम्स आफ्टर अनाउन देन इट इट वुड नॉट बी रिमेन एज डिटर्मिनर बट इंस्टिड वी कैन गिव इट नेम ऑफ एडजेक्टिव और सम अदर पोजिटिव और स्पीचेज अदर पार्ट ऑफ स्पीच तो यहां पर जैसा कि हमने बात की कि डिटर्मिनर को हम कभी भी नाउन के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि नाउन से पहले हम इस्तेमाल करेंगे आई हैव वन बुक आई हैव वन बुक आप यहां पर ज्यादातर रीडर्स जो है वीवर जो है वो कंफ्यूज होंगे कि यहां पर आप देखिए तो आई बुक यहां पर जो है determiner जो है यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये नाउन प्रेस को भी क्वालिफाई करता है नाउन को भी क्वालिफाई करता है आइडेंटिफाई करता है और स्पेसिफाई करता है तो यहां पर आप देखिए तो वन बुक जो है ये वन जो है आप यहाँ पर देखिए कार्डिनल और ऑर्डिनल्स जो है यहां पर इस्तेमाल हुआ है वन बुक तो ये बुक जो है ये नाउन है है और वन जो है, इसे स्पेसिफाई इट द वेरी नाउन बुक सो हेयर इट इज वन इज नोन एज डिटर्मिनर देन वी हैव द शो वॉज एक्सेलेंट अनदर सेंटेंस द शो वॉज एक्सिलेंट जैसा कि हमने बनाया स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली द टॉकिंग अबाउट द शो दैट द शो वॉज एक्सेलेंट और द शो इज एक्सेलेंट तो यहां पर देखिए द शो शो जो है जहां पर हम म्यूजिक के म्यूजिकोज हाँ वगैरह में जाते हैं तो वो उसके बारे में बात कर रहा हूं शो तो ये शो जो है वोज एक्सेलेंट द शो यहां पर जो है द जो के आर्टिकल यहां पर इस्तेमाल हुआ है और ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि द शो वो वाला शो जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन या आउटस्टैंडिंग या खूबसूरत देन वी हैव एन अ डे एनेपल द डॉक्टर अवे दीज आर सम ऑफ द प्रोवर्ब्स दैट एन अ डे इट इज आर्टिकल विच इज प्लेस्ड बिफोर अवावल साउंड लाइक हाउ मैनी एनेपल जैसा कि यहां पर अब हाउ मेनी बॉय एन एपल कितने सेब तो यहां पर हाउ मेनी का जो रीजन है यहां पर क्लियर किया गया है कि एक सेब तो यहां पर भी ये जो है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करता है हाउ मेनी तो यहां पर भी एन जो है हमारे साथ एज अ डिटर्मिनर हम इसे पुकारेंगे और यूज करेंगे एनेपल कीप्स द डॉक्टर अवे फिर यहाँ पर हमारे हमने दो नाउन प्राइजेज यहाँ पर नाउन प्राइज में कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर वीवर्स जो है स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ तो अगर मैं ये बात कहूँ कि यहाँ पर ये यह शूज़ जो है दोज आर माई शूज़ तो ये शूज़ जो है यहाँ पर सेंटेंस के एंड में हमने इस्तेमाल किया है और दो यहां पर है फिर ये दो कैसे डिटर्मिनर रहा तो जैसा कि हमने बताया हम नर को प्लेस करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो आप यहां पर देखिए दोज आर माय शूज ये दोज जो है ये डिटर्मिनर यहां पर किसके बारे में हमें बताते है? शूज के बारे में दोज आर माय शूज इस शूज के बारे में दोज हमें बताता है कि दोज आर माय शूज आर दीज आर माय शूज नाउ अनदर एग्जांपल दिस इज अ कैट दिस इज अ कैट तो आप यहां पर देखिए दिस जो है यहां कैट के बारे में हमें बताता है कि दिस इज अ कैट तो यहां पर अ कैट जो है कैट जो है अब यहां पर आप देखिए दिस इज अ अट ये दिस जो है केट के बारे में हमें बताते हैं कि ये एक बिल्ली है तो आप यहां देखिए दिस भी हमारे साथ एज अ डिटरमिनर इस्तेमाल हुआ है अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आई होप यू हैव गॉट द वेरी बेसिक पॉइंट दैट व्हाट व्हाट आर डिटर्मिनर्स आ, अच्छा एक और बात डर स्टूडेंट्स एंड डयर व्यूवर्स मैं एक और बा, बात वाज करूं कि डिटर्मिनर जो है आप अगर देखें तो आई एन जी फॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हाँ हम वर्ब को देखें तो वहाँ पर आई एन जी फॉम जो है जब ये एज अ नाउन फंक्शन करे तो हम इसे जीरन कहेंगे इसी तरह डिटर्मिनर्स भी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है लेकिन इसके हम मुख्तलि कॉन्टेक्स में जो इस्तेमाल होता है वही कॉन्टेक्स्ट में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब इसका इस्तेमाल हो और इस हम इसे इस्तेमाल करके देखें तो फिर हम को फाइंड आउट कर सकते हैं अब अगर आप यहां पर देखें तो हम आर्टिकल्स को भी एज डिटर्मिन यूज करते हैं ऑर्डिनल्स को भी एज डिटर्मिन यूज करते हैं कार्डिनल्स को भी एज डिटर्मिन इस्तेमाल कर डेमोन्स्ट्रेटिव को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वानिफायर पोजिटिव We can use all these uh, all these elements as determiners, but it varies uh, from the quality that they have when we use it. When we use this then the role of this word as a determiner badal very and the, it takes a very different shape when it comes to its meaning and when it comes to uh, its use. So यहाँ पर uh, आपके कंप्रेहेंशन uh, के लिए समझाने के लिए टू मेक यू कंप्रेहेंड हाउ आर डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव्स हाउ डिटर्मिनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रो एंड हाउ दे फंक्शंस सो डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव्स एज वेल एज फ्रॉम नाउन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम एजेक्टिवस यू नो डिटर्मिनर्स डिफरेंट फ्रॉम एजेक्टिव एजेक्टिव से यह मुख्तलि कैसे मुख्तलि जस्ट यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन यहां पर देखिए इस वर्ड इंट्रोड्यूस को पेश करना बिकॉज क्योंकि डिटरमिन जो है हमें यूज टू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हमें इंट्रोडक्शन करवा दे किसी नाउन के यहां डिटर्मिनर से वाइल एजेक्टिव व एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशन एडिशन को आप देखिए एड करता है विच एड समू द मीनिंग ऑफ नाउन और यहां पर अगर आप देखिए तो इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन और एडिशन में वाज फर्क नजर आए कि एडिशन जो है इजाफी मालूम को एड करना या मिसाल के तौर पर हम अगर क्वालिटी की बात करें इट शोज अस द एजिक्टिव शोज अस द वेरी क्वालिटी ऑफ अनाउन द वेरी क्वालिटी और दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव बट व्हेन इट कम्स टू एंड वी यूज इट सो वी यूज इट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफ अनाउन देन वी हैव अनदर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन प्रोनाउन्स सो इट इज डिटर्मिनर that is different from pronouns because pronouns are used instead of noun. Pronoun जो है हमारे साथ इस्तेमाल होता है noun के हा noun के बजाय to replace the noun. Actually a pronoun is used to pro means for. Noun noun के बजाय pronoun जो है इस्तेमाल होता है noun के replacement से हम noun को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से लेकिन यहां पर अगर हम एक प्रोनाउन को भी इस्तेमाल करें और उसके साथ नाउन भी मौजूद हो तो उसका जो फंक्शन होगा वो एज अ डिटर्मिनर होगा फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनर यूज बिफोर अ नाउन नॉट इंस्टेड एक और भी जो यहां पर पॉइंट है की रोल है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि जहां पर भी हम नाउन के बाद किसी एडजेक्टिव को या किसी और वर्ड को देके और वो नाउन से पहले एज अ डिटर्मिनर इस्तेमाल हुआ हो तो नाउन के बाद जब वो इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे कभी भी डिटर्मिनर के नाम से नहीं जानेंगे और ना ही हम उसे डिटर्मिनर कह सकेंगे यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनर यूज बिफोर पहले अन के से पहले हम इस्तेमाल करते हैं नॉट इंस्टेड अब यहां पर आप देखिए डिटर्मिनर जो है यूज बिफोर अ नाउन नॉट इंस्टेड यहां पर यह बात भी वाजी हुई कि यहां प्रोनाउन जो है हम इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल करते हैं और अगर डिटर्मिनर की बात आ जाए तो हम डिटर्मिनर को इंस्टेड ऑफ नहीं यूज करते हम डिटर्मिनर को नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं

आप देखिए दीज ग्लासेज आर माइन यहां आप देखिए दीज ग्लासेज आर माइन यहां पर ये ग्लासेज जो कि नाउन है ये मौजूद है यहां पर लेकिन अगर हम यहां देखिए दीज आर माइन तो यहां पर ये वर्ड जो है दोनों हम जब इसकी जो इनहेरिटेड डिफिनेशन है ये है कि ये प्रोनाउन है मिसाल के तौर पर ये प्रोनाउन है हमने इसे प्रोनाउन समझा बट यहां पर अगर नाउन को देखे तो नाउन भी इस्तेमाल हुआ है और प्रोनाउन भी इस्तेमाल हुआ है दीज ग्लासेस आर माइन दीज ग्स आर माइन और यहां पर आप देखिए दीज आर माइन दो द सेकंड यूज द सेकंड सेंटेंस टेल्स अस और द सेकंड स्टेटमेंट टेल्स अस दैट समथिंग इज अंडरस्टैंडेबल एंड फॉर दैट वी रिप्लेस दीज बट हियर ग्लासेज दीज ग्लासेज तो आप यहां पर देखिए ये क्लियर करते है कि ये जो आ, हमारे हमारे साथ जो ग्लासेस है ये ये दीज ग्लासेस आर माइन ये मेरे हैं और यहां पर अंडरस्टैंडेबल है इस्तेमाल नहीं हुआ है दो द नाउन इज अंडरस्टैंडेबल बट हियर वी डू नॉट हैव है तो यहां पर ये परफॉर्म करता है अपना ड्यूटी एज प्रोनाउन और यहां पर जो है परफॉर्म करता है अपना ड्यूटी एज अ डिटर्मिनर फिर यहां पर एक और एग्जाम्पल माई कार इज ऑफ रेड कलर माइन इज ऑफ रेड कलर अब यहां पर देखिए माई कार एज ऑफरेट कर मेरी जो गाड़ी है वो सुर्ख रंग की है तो यहां पर कार जो है वो नाउन है और माई जो है इसे एज अ डिटर्मिनर जो है आइडेंटिफाई करता है लेकिन यहां पर अगर माइन इज ऑफ रेड कलर तो यहां पर कार मौजूद नहीं है दैट इज वेरी प्री अंडरस्टैंडेबल वो जो है पहले से अंडरस्टैंडेबल है कि हम मैं गाड़ी की हा जो सवाल है उसके बारे में जवाब देता हूं तो यहां पर आप देखिए कार इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि इट इज अंडरस्टैंडेबल बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन और बिटवीन द टू पर्सन ऑफ हु इज टॉकिंग अबाउट द कार तो ये था डिटर्मिन के बारे में डिटर्मिनर को प्लेस किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में Uh, कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है यूजुअली uh, अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत से अगर हम द वेरी वर्ड को देखें पार्ट हिस्से ऑफ स्पीच बोलने के तो बोलने के हिस्सों में हम uh, जो है प्लेस कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनर जो है इट इज़ अ यूनिट एंड विच इज़ यूज इन स्पोकन एज वेल एज इन रिटर्न फॉर्म एडजेक्टिव और डिटर्मिनर की डिफ्रेंसीशन के लिए हम एक और जो हमारे पास डिफ्रेंसीशन uh, मौजूद है वो ये है कि डिटर्मिनर के है कोई भी फॉर्म्स नहीं है जैसा कि कंपेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म्स जो हमारे पास है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स लेकिन अगर हम बात करें तो डिटर्मिनर की कोई भी फॉर्म मौजूद नहीं है आज के सेशन में हमने डिटर्मिनर के बारे में जाना और डिटर्मिनर को रिकोगनाइज़ किया कि